ओके सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द पेशेंट, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। पेशेंट ने मैं पेशेंट से मिला और पेशेंट ने मुझे बोला कि सर मैंने आपके सारे केसेस देख लिए हैं, सो मेरे को एक ही डाउट है सर कि निपल बहुत छोटा है और आप बोलते हो कि छोटे निपल के अंदर सर्जरी करना डिफिकल्ट होता है। सो अच्छा लगा कि पेशेंट डेफिनेटली सर्च करा है। सर्च करने के बाद में कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है जब हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे ग्लेंजरफिट पे सारे पेशेंट देख लो। सो इसलिए होता है कि पेशेंट को एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एनीवेज सारी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट टचिंग द पेशेंट वी कैनॉट से दिस इज ग्लैंडर फैट। फीलिंग से पता पड़ता है दिस इज डेफिनेटली ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट। फैट भी होता है, सो इसको बोलते हैं ग्लैंड्स प्लस फैट, ग्लैंड्स एंड फैट कंबाइंड होता है। ग्लैंड्स एंड फैट की वजह से ही पेशेंट को ऐसा जो प्रोजेक्शन आता है टाइट क्लोदिंग में, पेशेंट बोलते हैं सर ये प्रोजेक्शन होता है जब भी टाइट शर्ट पहनते हैं, ये जो दिखता है ये प्रॉब्लम करता है। चेस्ट का मसल कहाँ पर टाइट करो एक बार, या सी दिस वन इज चेस्ट का मसल। सो ये जो होता है ये चेस्ट का मसल के आगे जमा होता है। सो जो बॉडी बिल्डर पेशेंट होते हैं जो बॉडी बना लेते हैं तो उनकी चेस्ट की मसल का बल्ज तो आ जाता है, बट ये जो प्रोजेक्शन होता है ये फिर भी लगा रहता है। ये प्रोजेक्शन हम लोगों को ये प्रोजेक्शन में ग्लैंड फैट ही हटाना है यहाँ पर। और डेफिनेटली निप्पल का साइज़ तो बहुत ही छोटा है पेशेंट का, अगर मैं थंब का मेरा ये थंब का ये इससे कंपेयर करूँगा सर निप्पल इतना ही है बस, वेरी स्मॉल नो प्रॉब्लम, इतने साइज़ का निप्पल है, बट एनीवेज मस्त हो जाएगा। सो दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड, दिस इज पेशेंट्स अपीयरेंस बिफोर सर्जरी। ओके सो हम लोगों ने यहाँ पे पेशेंट एज इज 25, पेशेंट एज इज 25 मुंबई। सो निप्पल का डायमेंशन वेरी स्मॉल, इस स्मॉल निप्पल से सारा ग्लैंड निकाल दिया। अभी नीचे दिख रहा है ये एक फोर्सेप देना, ये जो नीचे दिख रहा है दिस वन इज चेस्ट का मसल, ये चेस्ट का मसल है, ये ऐसे उठाऊंगा, दिस इज चेस्ट का मसल। ग्लैंड जो था यहाँ भरा हुआ था पूरा निकल गया। सिमिलरली ऑन दिस साइड ऑल्सो, सो बंद कर देंगे इट वॉन्ट बी विजिबल। ओके सो दिस वॉज यस्टरडेज पिक। स्मॉल निप्पल पेशेंट को, बहुत छोटे निप्पल थे, छोटे निप्पल में सर्जरी डिफिकल्ट होती है पेशेंट ने बोला था। एंड दिस इज नाउ देखेंगे, सो देयर इज नो स्कारिंग ओनली, बहुत छोटे निप्पल से सर्जरी करा था और दिखता भी नहीं। दिस साइड ऑल्सो वेरी स्मॉल, दिखता भी नहीं, राइट। टर्न करो वन साइड, दिस वॉज साइड व्यू बिफोर एंड दिस इज नाउ एब्सोल्युटली स्मूथ। चलो अदर साइड प्लीज, अदर साइड का व्यू एंड दिस इज नाउ। चलो ठीक है, फ्रंट में आ जाओ। पेशेंट को मैंने जरूर दिखा दिया है, पेशेंट इज फ्रॉम मुंबई, अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो हम सब करना है। चलो इंस्ट्रक्शन सब पेशेंट में सेम होते हैं, वो मैं यहाँ पे भी दूंगा कि पेशेंट ड्राइविंग वगैरह सब कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, आज रेस्ट करो कल से ज्वाइन करो, मतलब कल सर्जरी थी आज रेस्ट करना है, कल से अपना काम ज्वाइन कर सकते हो। वजन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है 7 दिन के लिए, अदरवाइज उसके बाद में कोई इशू नहीं है। जिम वगैरह 1 मंथ ज्वाइन करना है, और सारे इंस्ट्रक्शंस ये लाइव इंस्ट्रक्शन गायनेकोमास्टिया के लिए जो ग्लैंड्स एंड फैट अकाउंट है उस पर है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। दिस इज पेशेंट अपीयरेंस आफ्टर 24 आवर। ओके पेशेंट के फॉलोअप पिक्चर लोग डालते हैं ग्लैंड्स एंड फैट इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सो यहाँ पे जो पिंड पोस्ट होती है ऊपर वाली, ये 1 मंथ बाद का रिजल्ट है, ये 6 मंथ बाद का, ये 1 ईयर बाद का, इसके साथ में यह फॉलोअप सेक्शन है, यहाँ पे और भी पुराने पेशेंट्स वो आप देख सकते हो। बाकी पेशेंट के रिजल्ट है 15 डेज बाद के, और भी बहुत से रिजल्ट हैं यहाँ पे। सारे रिजल्ट जो है गायनेकोमास्टिया अकाउंट ग्लैंड्स एंड फैट पे आप आराम से देख सकते हो, आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा रिजल्ट्स के बारे में। सो दिस इज अकाउंट ग्लैंड्स एंड फैट फॉर फॉलोअप पिक्चर्स। ये पेशेंट के भी फॉलोअप पिक्चर्स होंगे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ, तो हम लोग यहीं पर देखेंगे। इसी के साथ में इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो कि यहाँ पर दिए जाते हैं, सो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है।